94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नाज़रीन, जैसा कि आज लाजरी एक्सपो में फूड फेस्टिवल का, और आज एबीएस की टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? उस्मान। सर आप? जावेद अहमद। और सर आप? शहजाद हमजा। अच्छा सर, माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है एबीएस की, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि एबीएस के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे दो। एबीएस बेसिकली जो है, हम लोग पाकिस्तान में एज ए कंपोर्शल इम्पोर्टर हैं, और हम लोग मशीनरी वगैरह, राइस इंडस्ट्री वगैरह को जो मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जो कि हम आला सतह का इंटरनेशनली जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस है उसको तैयार करने में हमारी मशीनरी काफ़ी हेल्पफुल है एक्सपोर्टर्स के लिए। उसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मायर है, CLJ है, वी एमिनॉल पैकिंग मशीन्स हैं, हमारे पास ABB है, चिंट है, कंप्रेसर्स है, हमारे पास काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जो कि इन हमारी मशीनरी को, राइस को बनाने को उसके एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर करती है और प्रोडक्शन को मजीद इंक्रीज़ करती है। सो इंटरनेशनली अगर आप देखा रहे तो चाइनीज जितनी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर टेक्निकल फैसिलिटीज़ के वाले से क्या कहना चाहेंगे अपनी मशीनरी के वाले? टेक्निकल इस जितनी भी मशीनें यहाँ पे आपने देखी होंगी इसमें टेक्निकल सबसे हमारे पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है और जी हमारे पास, और हमारी जो ABS कंपनी है 150 साल पुरानी कंपनी है जो पाकिस्तान में यहाँ काम कर रही है। अच्छा सर, इस वक्त कितनी के 2024 के अंदर क्या अपडेट है मशीनरी की आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इंशाल्लाह हमारी जो कंपनी ABS, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जितने भी यहाँ चाइनीज ब्रांड हैं सबसे ज़्यादा हमारी सेल है, और लोग सबसे ज़्यादा जो एतमाद करते हैं ABS पे करते हैं मशीनरी के वाले से, राइस के वाले से, क्योंकि हमारे पास सबसे टॉप ब्रांड है। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी हमने 100 मशीनें सेल की हैं, इस साल भी हमारी कोई 50-60 मशीनें हो गई हैं, अभी है, अभी साल के एंड तक हम 100 को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। इन दो दिनों के अंदर, अभी तीसरा दिन स्टार्ट है, कितनी मशीनें आपने सेल की? अभी मशीनें यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो एग्जीबिशन पे सिर्फ उनको हम विजिट के लिए उनको नॉलेज देते हैं, वो पूछते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या, कुछ पुराने हैं वो उनको तो पता ही होता है, वो तो फिर हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं ही, तो जो नए कस्टमर आते हैं उनको हम अवेयरनेस देते हैं कि ये क्वालिटी सबसे अच्छी है, चाइना की सबसे टॉप ब्रांड है, तो हमारी कंपनी का लम्बा नाम है ABS, सबसे बड़ी कंपनी है, तो इशू नहीं है। सर फुटफॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज लास्ट डे है? अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह, आज संडे है तो मोर एक्सपेक्टेड है कि वो और सारे कस्टमर्स भी आएंगे। हमारे पास इस टाइम चाइनीज़ सबसे लेटेस्ट ब्रांड्स हैं, अब ये जो पीछे मशीन है ये इस टाइम पे दुनिया की सबसे जदीद मशीन है और पाकिस्तान में ये पहली मशीन आई है अभी तक, और ये कल हमने एक सोल्ड भी की है, और ये मशीन UHD कैमराज के साथ है, UV लाइट के साथ है, इसमें 99.9% रिजल्ट्स हैं, और जो डिजीज स्पॉट्स यानी एक्सपोर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और इसी तरह हमारे पास CHJ के जो पॉलिशर्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पॉलिशर्स बैक साइड पे लगे हैं, वो भी अभी पाकिस्तान में नए आए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डी स्टोनर लगा है वो वाइब्रेशन टाइप का डी स्टोनर है, और वो भी अभी पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम आया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यहाँ पे जो एग्जीबिशन में जो हमने यहाँ पे लेके आए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पहले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और एक्सपोर्टर ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, और इंशाल्लाह कुछ लोग यहाँ पे फाइनलाइज भी कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे साथ फाइनलाइज कर भी लेंगे। इन द लास्ट वन मैसेज अबाउट एक्सपो। Yes, the expo was a good because many clients coming and saying that many new technologies, new inventions he is watching here, and we briefed about the new machines and he's very happy, and we need to more educate about our rice exporters and rice millers. Thank you, sir. Yes, thank you.
जी नाज़रीन, इस वक्त तनवीर राइस में हम लोग मौजूद हैं। तनवीर साहब ये मार साहब इश्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सामने तनवीर भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आज? बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसो का लास्ट डे, तनवीर राइस के बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है और हमें बड़ी खुशी हुई है। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। और जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमें इधर देख के बहुत खुशी फील कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि आज तीसरा दिन है और किस जगह आपकी फैक्ट्री है? हमारा बेसिकली गुजरांवाला है। माशाल्लाह। वैसे हमारे काम काफ़ी सारे चल रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। हमारी जो तनवीर इंडस्ट्री है, ये 2004 में हमने ये शुरू की थी, बिगनिंग में दोनों भाइयों ने, तनवीर साहब और मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान में ऑल ओवर पाकिस्तान में पूरी मशीनरी इंस्टॉल्ड है और चल रही है, रनिंग में है। तो ये जो आप हमारे पीछे पल्सर देख रहे हैं, ये इसका नाम है KB100। ओके। ये राइस को पॉलिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हम फर्स्ट कंपनी हैं जो ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई है PLC कंट्रोल ऑटो सिस्टम। अच्छा। ये पाकिस्तान की फर्स्ट कंपनी है। क्या इसका क्या फंक्शन है? इसका ये ऑटो है बिल्कुल, तो इसके 1x1 इसकी मोटर स्टार्ट होगी, इसके फ्रीडम होगी, इसके भी वाटर एयर एनीथिंग ऑटो है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी ये है कि इसके में अगर आप कोई भी राइस पॉलिश करते हैं, कोई भी चीज़ पॉलिश करते हैं, तो वो राइस की क्वालिटी नहीं ख़राब होगी, वो डैमेज नहीं आएगा, वो ब्लैक नहीं होगा, एक तरह का होगा। अगर एक कंटेनर या एक KG आप राइस पॉलिश करते हैं, तो आप 10 कंटेनर भी उस तरह के होंगे। तो आप कहने का ये मतलब कि कुछ मशीनरी ऐसी है कि जब राइस पॉलिश होता है तो वो डैमेज करता है, उसका ब्रोकन करता है और उसको ब्लैक भी करता है स्टार्टिंग में। तो ब्लैक की सूरत में जब राइस एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, तो वो पता नहीं चलता कि राइस पॉलिश कौन सा और दूसरा कौन सा है, वो मिक्सअप हो जाता है बल्क क्वांटिटी में होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ सेकंड पहले गिरते हैं, कुछ मिनट बाद गिरते हैं, वो प्रॉपर वो जो वर्किंग होती है सेम नहीं होती। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। सर, आज एक्सपो का लास्ट डे है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं, जो अल्लाह पाक ने हमें रिस्पॉन्स दिलवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी उम्मीद से ज़्यादा अल्लाह पाक ने रिस्पेक्ट दिलवाई है हमें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं बहुत ज़्यादा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा फोकस यही है कि हम पाकिस्तान में अपनी मशीनरी को अच्छे से लेके चलें और लोगों को इसका अच्छा मेयार दें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आईकॉन सेंसेस से एसेंस हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आईकॉन के बारे में। मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बड़ा रीनोन नाम है आईकॉन, बट ये कि न्यू अपडेट दें आईकॉन के वाले से। सर, मैं तकरीबन अपने इस इंडस्ट्री में तकरीबन 4th generation हूँ। ओके। और तकरीबन हम लास्ट 50 years से जनरेशन टू जनरेशन काम कर रहे हैं। फूड फ्लेवर्स फ्रेगरेंसेस में हमारा असल मेन फोकस है और कराची से हमारा बेस्ड है, तो फ्लेवर्स और फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। फ्लेवर्स फूड इंडस्ट्री को आजकल तो हर फूड इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होती है जी, फ्लेवर्स की। और फ्रेगरेंसेस हमारे ज़्यादातर हाउस होल्ड कैटेगरीज, लॉन्ड्री, सोप, डिटर्जेंट्स, इन सब में फ्रेगरेंसेस यूज़ होती हैं। तकरीबन कितने टाइप के फ्रेगरेंसेस और आप ये बनाते हैं? तकरीबन हमारे फ्लेवर्स तो तकरीबन 250+ अच्छा फ्लेवर्स हैं, जो कि एक वाइड किस्म की एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है, जिसमें जो है ना बहुत सारी अलग कैटेगरीज हर इंडस्ट्री की, स्नैक्स, सीजनिंग, बेवरेजेस, बेवरेज इंडस्ट्री की अलग है, स्नैक्स की अलग है, सीजनिंग्स की अलग है, हर चीज़ में तकरीबन आजकल फूड में फ्लेवर्स डलता है और इस्तेमाल होता है, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे ये बताएं कि जैसे मैंगो है, वो आपका फ्लेवर आपके पास उसका है, एक नई प्रोडक्ट हो जो अभी तक उसका फ्लेवर ना बना, आप वो भी तैयार करते हैं? सर बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, हम 4th generation है, और इस काम में ये समझे कि मेरे वालिद साहब के दादा से ये काम चलता हुआ आ रहा है, तो कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हमारे लिए इतने प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे अच्छी बात ये है कि अब कस्टमाइजेशन कस्टमर के हिसाब से हर वो हो सकता है, वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है।
थैंक यू सर। जी नाज़रीन, MCC से जावेद साहब अब्दुलरहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद डिटेल MCC के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहना चाहेंगे MCC के बारे में? देखिए, MCC बेसिकली है फूड और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी, जो कि उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ रॉ के ये फ्लेवर्स हैं, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, वो तमाम चीज़ें मुख्तलिफ कंपनीज को हम प्रोवाइड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कितने टाइप के आप इस वक्त फ्लेवर जो तैयार कर रहे हैं? हमारी रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा हिट प्रोडक्ट है वो चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, कैरामेल है, बहुत सारी, वो बहुत ह्यूज रेंज है। अच्छा सर, क्या डिफरेंस है अदर कंपनीज में जो फ्लेवर कंपनी है, आपका जो फ्लेवर है उसमें? हम एक्चुअली में प्योर में काम करते हैं, कोई डल्यूशन, कोई ऐसी गलत चीज़ें डालते जो किसी के बच्चे या किसी भी वुमेन के लिए सेहत के लिए बुरी चीज़ साबित हो। हर चीज़ फूड ग्रेड है, हर चीज़ पे वर्किंग की गई है, हर चीज़ बहुत अच्छी है और वेल मेंटेन की गई है। अच्छा सर, ये फर्स्ट टाइम है आप एक्सपो में आए लाहौर? नहीं, ये सेकेंड टाइम है हमारा। पहले हमने पिकासो के उसमें शो में पार्टिसिपेट किया था, इनके साथ पहली दफ़ा, इस ग्रुप के साथ पहली दफ़ा हम यहाँ लाहौर में। लाहौर कैसा फुटफॉल रहा? दुबई वगैरह में और दूसरी जगहों पे करते रहते हैं अपना। तो कैसा रिस्पांस रहा लाहौर में इस वक्त? इस दफ़ा काफ़ी स्लो है और टर्नआउट जो है वो पहले दिन तो फिर भी कुछ जुम्मे के दिन बेहतर रहा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसकी वजह के सरकमस्टेंसेस इस वक्त वेरी बैड नाउडेज। नहीं, वो खाली एक इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम जो है वो इन लोगों ने गलत चूज़ किया। यस, और होता ये है कि अगर आप कराची और लाहौर दो मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस नॉर्मली होती हैं, तो अब आपने अगर दोनों जगहों पर सेम डेज के अंदर आप अपनी एग्जीबिशन लॉन्च कर दोगे तो फिर आपका जो कस्टमर है वो सारा डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कराची की जो मैंने सुना है वो ज़्यादा पावरफुल रहे, शो जो है काफ़ी पावरफुल रहा है एज़ कम्पेयर टू लाहौर के। यस, तो इन्होंने सेम डेज के अंदर उसको लॉन्च कर दिया दोनों को। आई थिंक सो के वेदर इशू भी मेरे हिसाब से है लोगों को। हाँ, लोग कल चूँकि जैसे सारा दिन बारिश होती रही उसका एक असर पड़ा है, बट ये कि ओवरऑल जो है ना, मेरी जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि चूँकि सेम टाइम के अंदर दोनों जगह लॉन्च किया गया, उसकी वजह से ही मसला आया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, पंजाब, आज हम पंजाब में भी खड़े हैं और पंजाब डेयरी में भी मौजूद हैं, और पंजाब डेयरी में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश भाई, पंजाब डेयरी जी सर, पाकिस्तान का रीनोन नाम, इस वक्त क्या अपडेट देना चाहेंगे? सर, ये हमारी पंजाब डेयरी है जैसे कि आपको बताया, और ये सिंस 1948 से एग्जिस्ट कर रही है पंजाब में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान के वेरियस ब्रांड है जिसमें हम लोग अपनी सप्लाई कर रहे हैं। अपना देसी घी है, हमारा सॉल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड बटर है, सच एज़ कारफोर, मेट्रो, CSD, शेज़ान, यहाँ पे हमारा बटर और देसी घी अवेलेबल है और हम लोग दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम उसमें ऐड करना चाहूँगा, हम लोग हुरीका में डील कर रहे हैं, हुरीका में रेस्टोरेंट्स में हम लोग अपना बटर दे रहे हैं, देसी घी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है जैसे कि आज एक्सपो लगी हुई थी, हमने अपना स्टॉल लगाया हुआ यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी हम लोग मार्केट में दे रहे हैं अपने पंजाब डेयरी की। अच्छा, इसमें जो आप सेल कर रहे हैं क्वांटिटी की कोई इसमें लिमिट है कि बल्क क्वांटिटी में सिर्फ दे रहे हैं? इसमें बेसिकली हम लोग रिटेल में सेल कर रहे हैं, हुरीका में सेल कर रहे हैं, और इसमें क्वांटिटी अगर कोई बल्क में, हमारे बहुत से कस्टमर्स हम बल्क में भी देते हैं, तो ये इस तरीके से ही हम लोग दे रहे हैं, बल्क में भी दे रहे हैं और रिटेल में भी दे रहे हैं शॉप्स में, और अदर कंट्रीज में भी जाता है। अदर कंट्रीज में भी हमारा एक्सपोर्ट होती है, जिस तरीके से कोई कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, अपना देसी घी हम एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, मास्टर फ्रेश फार्म और मास्टर स्पाइसी से हमारे साथ अब्दुल कद्दू साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? माशाल्लाह दो दो ब्रांड हैं। जी जी बिल्कुल। तो दो ब्रांड के बारे में ज़रा ब्रीफिंग दे लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो मास्टर पॉलीप्लास्टिक इंडस्ट्री है ना, मैं उसका DJ हूँ, मेरा नाम अब्दुल कद्दू खान है। रिसेंटली मास्टर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि फूड की क्वालिटी
प्रीमियम क्वालिटी लोगों को देनी चाहिए। ओके, तो उस सिलसिले में हमने दो वेंचर स्टार्ट किए हैं। एक हमने मास्टर फ्रेश फार्म स्टार्ट किया है। मास्टर फ्रेश फार्म में इस टाइम हम सेफली क्लेम कर सकते हैं कि जो दिसंबर में अनियन की प्रोडक्शन आ रही है वो सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी आ रही है इस टाइम। उसके बाद हमारा पोटैटो है, मज़ाइका पोटैटो है, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसको हम दुबई और GCC वगैरह हमने अपनी सप्लाई चेन उसको हमने एक्सपोर्ट में, ताकि हम चाहते हैं कि कंट्री में जो इस टाइम इम्पोर्ट बिल वगैरह, ताकि हमारा विजन है कि पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। उसके अलावा हमारा कुकम्बर आ जाता है, टनल फार्मिंग में जा रहे हैं अभी, ये इसका विजन यहाँ तक नहीं है। हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्म बनाना है। उस फार्म को बना के हमने क्या कहते हैं ग्रीन हाउसेज, ये वो ऑफ सीज़न जितनी की जितनी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको लेके आना है। अब इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद, मच्योर करने के बाद मार्केट में, अब हम शिफ्ट हुए हैं मास्टर स्पाइसेस की तरफ। मास्टर स्पाइसेस में हम बेसिक जो है ना प्लेन स्पाइसेस की है, उसकी 5 रेंज लेके आ रहे हैं। उन 5 रेंजेस में एक हमारी रेंज आ रही है रेड चिली फ्लेक है, गार्लिक पाउडर है, टर्मेरिक पाउडर है, रेड पेपर पाउडर है और ब्लैक पेपर पाउडर है। और इसके अलावा 2 हमारी मिक्स रेसिपीज आएंगी, जिसमें एक हमारा बिरयानी मसाला होगा और एक हमारा कड़ी पाउडर होगा। तो इंशाल्लाह इसको हम फुल फ्लैश इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में हमने इसको लॉन्च कर दिया ना मार्केट में, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत ही ना एक अच्छे स्केल पे लॉन्च करेंगे। और इसमें मैं आपको चीज़ बताऊँ, इसमें जो फूड के न्यूट्रिशन है ना, वो हम पाकिस्तान में वही प्रोवाइड करेंगे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। आप कल को जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, आप उसकी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करवाएं, जैसे मर्जी टेस्टिंग करवाएं, आपको उसमें एफ्लाटॉक्सिन कर्कुमिन किसी लेवल का ना कोई मसला नहीं आएगा, कोई हैज़र्डियस चीज़ इसके अंदर नहीं होगी। तो ये हमारा वेंचर है। और नेक्स्ट ईयर एट द लास्ट, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम मास्टर राइस और मास्टर पोल्ट्री में भी आ जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम जो फूड की सप्लाई चेन है ना, जितनी फूड की चीज़ें हैं, वो एक अच्छी चीज़ लोगों तक ईजीली पहुँचाई जाए। तो ये हमारा विजन है बेसिकली, और ये सारे का सारा काम मास्टर पॉली प्लास्टिक इंडस्ट्री के बैनर के अंदर हो रहा है। अच्छा, अभी आपने बड़ा फ्लुएंट बताया, एक मोमेंटम के साथ आप चलना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है ना, बड़ा अच्छा प्लान है। बट ये कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसके ऊपर दे रहे हैं? देखिए, एक तो हमारी कोर इंडस्ट्री चल रही है मास्टर पॉलीप्लास्टिक इंडस्ट्री, जिसमें PPRC, UPVC, सैनिटरी, फॉसर्ट, शॉवर्स, हर चीज़ वो चल रही है, वो काम तो हमारा चल रहा है। लेकिन अगर आप हमसे प्रायोरिटी पूछे ना, जो कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो मास्टर फ्रेश फार्म डिलीवर करते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सपैंड करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मास्टर स्पाइसेस है, मास्टर स्पाइसेस के बाद मास्टर पोल्ट्री है, और मास्टर पोल्ट्री के बाद मास्टर राइस। ये हमारी एक प्रायोरिटी की लिस्ट है, इस फ्लो में हमने चलना है इंशाल्लाह। यानी आपके कहने का ये मतलब कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मास्टर ही मास्टर हो जाएगा, स्टूडेंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सिर्फ मास्टर का नाम ही चलेगा, फूड प्रोडक्ट हो जाए, हर चीज़ हो जाए। आगे हमारे और भी प्लान्स हैं, वो मेरे ख्याल से टाइम के साथ डिस्क्लोज करेंगे, पहले इन्हें अचीव कर लें। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, KBMC से हमारे साथ दानिश काले साहब और उनकी पूरी टीम आज मौजूद है, क्योंकि आज लास्ट डे है। और हम दानिश साहब से पूछते हैं कि आज लास्ट डे है और मज़ीद कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर, आप और आपकी कंपनी की सारी टीम आज बहुत खुश हैं, इसकी क्या वजह है? अलहमदिल्ला सर, बहुत अच्छा ये हमारा शो रहा है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया है, और हमारी टीम ने जो मेहनत की हुई थी पिछले एक महीने से, आई थिंक बहुत वो फ्रूटफुल रही है, क्योंकि काफ़ी हमें ऑर्डर्स भी यहाँ पर कन्फर्म हुए हैं और काफ़ी लोग नए मिले हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, जिनको हमने काफ़ी अच्छी तरह गाइड भी किया है, तो होपफुली इसके आगे भी रिजल्ट हमें मिलेंगे। सर, अपने स्टाफ के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, टीम वर्क होता है तो कंपनी ऊपर जाती है। आई थिंक आई हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम जो माशाल्लाह हमारे पास है इस वक्त, इंक्लूडिंग माई चाइनीज पार्टनर्स, तो अलहमदिल्ला टीम की वजह से हम आज इस पोजिशन पर हैं। सर, आपकी सारी टीम अच्छी है, लेकिन मैं क्लियर बात कहूँ कि जो चाइनीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। और इन ये हमें अच्छा सामान देते हैं, तो हम इस पोजीशन पे हैं क्योंकि पीछे से हमारी सोर्स यही है, सारी प्रोडक्ट्स हम इनसे ही मंगवा रहे हैं। तो देखें, चीज़ अच्छी होगी तो आगे चलेगी, लोग पसंद करेंगे, लोग आगे ऑर्डर्स देंगे, तो सबसे बड़ा रोल यू आर राइट इन्हीं का है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज एक्सपो का लास्ट डे है? सर, मैसेज यही है कि और लोग, जितने लोग रह गए हैं, अगर आपकी ये फुटेज अभी चल जाएगी तो और लोग भी आएँ, और अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट नहीं करना तो आएँ ज़रूर, इंडस्ट्री का साथ दें, जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो इंडस्ट्री का साथ दें, और जो लोग जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री से, वो हमें आके सपोर्ट करें। अच्छा सर, टीम में से कोई ऐसा शख्स जो बहुत सीनियर हो, जिसके बारे में आप लफ्ज़ कहना चाहें? सर, मुश्ताक साहब हमारे माशाल्लाह जो कहते हैं ना, सबसे सीनियर इस इंडस्ट्री में है,
ये जो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट इस वक्त मिल है पैकेजेस लिमिटेड, सारा इन्होंने उसको मैनेज किया था, वो यूरोप से मशीन्स लेके आए, सारा यहाँ पे उन्होंने उसको इंस्टॉल किया। तो प्लीज़ इनसे भी मैं चाहूँगा कि आप इनसे एक आध चीज़ इनसे भी पूछ लीजिए। सर माशाल्लाह दानिश साहब इतनी एडमायर कर रहे हैं आपकी, कैसा महसूस हो रहा आज जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं? बहुत अच्छा जी, लाहौर में ऐसे काम होने चाहिए। पहले ये कराची में होता था, तो आई होप कि ये लाहौर में आइंदा भी होगा। तो इस तरह के फंक्शन जो इस तरह के जो एग्जीबिशन है लाहौर में ज़्यादा चाहिए। आप देखें यहाँ पर रिस्पॉन्स भी पब्लिक का बहुत पॉजिटिव है। अच्छा लास्ट में मेरे साथ मिलके KPMC जिंदाबाद, KPMC जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। फेस्टिवल हो रहा है, बहुत प्यारे प्यारे लोग आए हुए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मल्टी पैक के एक स्टॉल पे और हमारे साथ उनके CEO भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और हम जानते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा अपने स्टॉल के बारे में बताइएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम लोग बेसिकली बनाते हैं प्लास्टिक स्टोरेज प्रोडक्ट्स, जिसमें आ जाते हैं प्लास्टिक पैलेट्स, प्लास्टिक क्रेट्स, ये ड्रम्स वगैरह जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, ख़ासतौर पर फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज़ है इनका, और जिसमें बेकरीज हो गई, आपका कन्फेक्शनरी हो गई, दूसरे जितने भी फूड रिलेटेड जहाँ पर फूड प्रोडक्शन होती हैं वहाँ पर हमारा इस्तेमाल होता है, सप्लाई चेन के अंदर हमारे क्रेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा होता है उनके स्टील और कार्टन्स को, जो पेपर को जो ज़ाया हो जाते हैं, और उसको ये ड्यूरेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका फैक्टर होता है कि ये ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं उसके नस्बत दूसरे जो इसके नेमो बदल हैं। ओके, आप यहाँ पे एक्सपो पे आपने अपना इसका डिस्प्ले लगाया हुआ है, आप मुझे बताएं कि एक्सपो पे डिस्प्ले लगाने का बेनिफिट्स होते हैं कि आपको सेल्स भी मिलते हैं, क्लाइंट्स भी मिलते हैं, इट इज़ बेनिफिशियल और हेल्पफुल फॉर यू? जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ शोबे के कस्टमर्स भी आते हैं और उनसे हमारे जो पुराने कस्टमर भी होते हैं उनसे अभी भी हमारा इंटरेक्शन होता है, और वो बेसिकली हम अपने नई कोई प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है ये उनको डिस्प्ले कराने के लिए और उसकी डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए बेसिकली। तो आज का इवेंट आपका कैसा रहा, आपको क्या क्या फीडबैक मिल रहा है आपको ऑडियंस की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था और काफ़ी हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स भी आए हैं हमारे पास और हमारे पास पुराने क्लाइंट्स भी हैं, हमें विजिट किए हैं उन्होंने, और काफ़ी बेनिफिशियल ये रहा है हमारे लिए बेसिकली। अच्छा आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स हैं आपके भी, ऑब्वियसली हर किसी के होते हैं, तो आपके पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं कि आप बेस्ट हैं कंपेयर टू अदर्स? देखिए उसमें ऐसा है कि कुछ हमने कुछ चीज़ों में स्पेशलाइजेशन की हुई है कुछ डिज़ाइंस के अंदर जो सिर्फ हमारे पास हैं, और वो उसमें हमने बेसिकली कुछ कस्टमर्स के साथ मिल के वो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी किए हैं साथ में हमारे, तो वो बेसिकली वो हमारा एक एडवांटेज है मार्केट के ऊपर कि वो प्रोडक्ट और किसी के पास नहीं होती जो हमारे पास मौजूद होती है बेसिकली। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्वालिटी वाइज आपकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो इनके पास बहुत ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपको भी कोई प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप इनसे ज़रूर बाय कर सकते हैं, इनका स्टॉल जो है वो एक्सपो सेंटर में है, तो आप भी मस्ट आइए और इनसे बाय कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, ये हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सारे आप हैं जो बेसिकली हम लोग वो कर रहे होते हैं जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये रिलेटेड टू दैट
इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री हो गई या कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री हो गई, सबके रिलेटेड हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स मौजूद। अच्छा, ये सिर्फ फैक्ट्री यूज के लिए या होम अप्लायंसेस भी आपके पास हैं? जो होम बेस्ड प्रोडक्ट्स में हमारा डोमेस्टिक जिसको मार्केट कहते हैं उसमें भी कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं और उसमें भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हमारे थ्रू होलसेल चैनल वो जा रही होती है मार्केट्स के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंटरव्यू। थैंक यू जी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम नीट ऑन डेयरी में मोहम्मद शार्क साहब के साथ मौजूद हैं। इतना यहाँ फुटफॉल है पहले दिन से अभी तक कि मैं हैरान हो चुका कि पूरे स्टॉल के अंदर किसी स्टॉल में इतना फुटफॉल नहीं जितना यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थक चुके होंगे ये संभाल संभाल के क्राउड आप? ऐसे ही है, तीसरा दिन है, आज आखिरी दिन है, बस इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, देसी घी के बारे में बात हुई थी, फर्स्ट टाइम बात हुई थी। अच्छा, मेरे जहन में क्वेश्चन आया जी जी कि व्यूवर्स भी देख रहे हैं कि देसी घी की बहुत सारी इकसाम है, सैकड़ों हैं और लोग फेड भी हो चुके हैं, मतलब कि जो आपको पता आजकल मिलावट लोगों के जहन में बैठा है, कैसे पता चलेगा कि ये देसी घी की असल पहचान क्या है? अच्छा देखें, दो बातें इसमें मज़े की बात है कि हमारे पास जितना फुटफॉल हुआ लोग आए, लोगों ने हमारे देसी घी को बहुत पसंद भी किया, लेकिन एक सवाल लोग हमसे मुसलसल करते रहे, उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे मान लें कि आपका घी अच्छा है। मैंने उनसे कहा भाई मैं तो नहीं कहा मैं हमारा घी अच्छा है। उसकी दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आपको असल घी की पहचान खुद पता होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी ब्रांड का घी आप सामने रखें, फिर वही प्रोडक्ट यानी देसी घी किसी सेकंड ब्रांड का रखें, थर्ड ब्रांड का रखें, फिर आप उन तीनों को चेक करें, फिर आप खुद कंक्लूजन निकालें कि कौन सा अच्छा है। अब जब आपको पहचान ही नहीं होगी तो आप कैसे पता करेंगे? अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग क्या करते हैं, देसी घी आया, इसको खोला, ये घी आया, सूंगा, घी बहुत अच्छी स्मेल है, ख़त्म, बस ख़त्म जी। बस स्मेल अच्छी है तो घी भी अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, घी सिर्फ स्मेल होना ये एक शर्त है, लेकिन यही सब कुछ नहीं, ये मिनिमम है, लोग इसको मैक्सिमम समझते हैं। लोग कहते हैं कि जिस घी की खुशबू अच्छी है, फ्रेगरेंस है, वो घी अच्छा है, अंदर चाहे नीचे कुछ भी हो उससे उनको सरोकार नहीं। देखिए, ये आप आसपास भी स्टॉल्स में देख सकते हैं, ये सबका अपना बिजनेस है, लेकिन इसमें तो मैं किसी भी 10 किस्म के फ्लेवर्स हैं, 10 किस्म की फ्रेगरेंसेस आउट ऑफ द मार्केट मिलती हैं, मैं वो ऐड करके इसकी खुशबू बढ़ा सकता हूँ, लेकिन नीचे क्या है वो उससे लोगों को पता नहीं। आज हम आपको ये बताते हैं कि देसी घी कैसे पहचानेंगे खुशबू के अलावा। हम ये नहीं कहते, खुशबू से बहुत फ़र्क पड़ता है, और खुसूसन वो हमारी बहनें, वो ख़वातीनें जो घरों में घी निकालती हैं, जो देसी घी वो घर में दही जमा के मलाई से निकालती हैं, उनको भी पता होता है कि देसी घी की खुशबू कैसी होती है। खुशबू के बाद आगे बढ़ते हैं, जब आपने खुशबू देख ली, आप खुशबू से मुतमईन हो गए, फिर अगली जो चीज़ होती है वो देसी घी का टेक्सचर होता है। ओके, देसी घी का जो टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर, उसको हमारी ज़बान में कहते हैं वेलवेटी टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसमें आप अगर आपका कैमरा दिखा सके व्यूअर्स को, ये जिस तरह आप देख सकते हैं ये घी है, ये जिस तरह इसका एक वेलवेटी टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है। Yes, yes, अच्छा, yes. टेक्सचर में दो चीज़ें, एक वेलवेटी टेक्सचर और इसका एक दाना होता है, ग्रेन साइज इसको कहा जाता है, ठीक है। देसी घी का दाना या ग्रेन साइज जितना छोटा होगा उतना देसी घी अच्छा और खालिस होगा, मियारी होगा, मियारी होगा। अब ग्रेन साइज कैसे नजर आएगा, अब ये देखें आप, ये जो इसकी दीवारों पे जो लगा हुआ है, ये छोटा छोटा बारीक बारीक, yes. ये अगर आप दिखा सके, ये बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक जो लगा हुआ है, ये स्पून के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा, ये बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये इसका ग्रेन साइज होता है। अब लोग क्या करते हैं, खुशबू अच्छी है उसको आप अगर कभी गौर से देखें ना, इतना मोटा मोटा उसके अंदर दाना होता है, तो जो देसी घी होगा ना उसका दाना इतना मोटा नहीं होता, वो बेसिकली वनस्पति घी का दाना होता है जो इतना मोटा होता है। देसी घी जब आप उसको ठंडा करेंगे, जितना ठंडा करेंगे उसका दाना भी छोटा होगा, जितना अच्छा होगा उसका दाना कम होगा, ग्रेन साइज कम होगा। फिर उसके बाद आप इसको अपनी स्किन पे लगा के चेक करें, ठीक है। तो इससे बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं। ये जब पहचान आपको होगी उसके बाद आप दो तीन ब्रांड्स का घी लें और आप देखें, और फिर आपको पता चलेगा, आप खुद इसका वो करें कि भाई कौन सा घी अच्छा है और हमें कौन सा लेना चाहिए। अच्छा सर, इसके बारे में आप माशाल्लाह मोटिवेट किया आपने व्यूवर्स को, बटर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। जी जी, बटर के बारे में देखें, बटर इस वक्त मार्केट में 10 तरह के बटर हैं, आपको नहीं पता कि बटर कौन सा हमने यूज़ करना है। बिल्कुल मैं मुख्तसरन बुनियादी बात बता दूं जो कंज्यूमर को एक पता होनी चाहिए, आप जिस ब्रांड का बटर लेना चाहें लें, लेकिन बटर एक चूंकि कंज्यूमर आइटम है और हर घर की इस्तेमाल है, बच्चे हैं, बड़े हैं,
बुज़ुर्ग हैं सब खाते हैं, और खुसूसन जो बढ़ते बच्चे हैं उनके लिए तो उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब बटर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ना, विद इन हाफ एन आवर उस बटर को मेल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक अगर वो बटर मेल्ट नहीं हो रहा तो वो बटर प्योर बटर नहीं है। अच्छा, ठीक है। वजह उसकी यह है कि बटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपकी बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट होता है 37 डिग्री। हम अगर कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स को दिखाएंगे, हम अपनी जो लेबॉरेटरी है उसमें जब हम मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट अपने बैचेस का चेक करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान उसका मेल्टिंग पॉइंट रहे। क्योंकि देखिए बटर को लोग जो है ना बहुत अनहेल्दी समझते हैं, अब तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा ट्रेंड रिवर्स हो गया है, लोग ऑर्गेनिक और अच्छी चीज़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। तो जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे बाहर नहीं पिघल रही आपकी बॉडी में जाके कैसे मेल्ट होगी, और जब वो बॉडी में मेल्ट नहीं होगी तो वो जमेगी। इसीलिए जितनी कार्डियक डिजीजेज हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है इस तरह की, वो जिसमें दिल की शरियाने बंद हो जाती है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीजेज हैं, दिल के अमराज हैं, ये सारे जो होते हैं ये बटर की वजह से नहीं होते, ये उन चीज़ों की वजह से होते हैं जो बटर के नाम पर बेचे जा रहे हैं। जब वो अंदर मेल्ट नहीं होंगे तो वो जाके आप ही शरियानों में फंसेंगे, ऑर्गेनिक नहीं होते वो, जो फंसेंगे तो वो भी मुख्तलिफ अमराज को जन्म देंगे। अच्छा सर, एक चीज़ है डॉक्टर साहब के, आपने भी कहा कि देसी घी बहुत सारी इकसाम है, अच्छा ऑब्वियसली कि आपका जेन्युइन एक नंबर है, लेकिन कॉस्ट के अंदर भी तो ज़्यादा होगा ना। एक चीज़ मेरी बात अंडरस्टैंड करें, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ कि जो मिलावट होगी अगर वो 100 रुपये है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपका तो 200 रुपये आएगा ना, आप रेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं और इसकी क्वांटिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है, रेट हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। मसला ये है कि इसको जो रेट ऊपर लेकर गए हैं ना, वो भी ये बाहर की मार्केट, आप इस वक्त मार्केट में जाएंगे आपको 2500 रुपये किलो भी घी मिलेगा। नाज़रीन कोटा बार से रज़ा हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी हाशमी भाई, कोटा बार के बारे में थोड़ा बताएं। कोटा बार के बारे में, हमारी बेसिकली कोडिंग एंड लेबलिंग कंपनी है, तो कोडिंग के अंदर जो भी यानी कि चीज़ें आती हैं या प्रोडक्ट जो यानी कि आती हैं, और आपने अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग करनी हो तो आप इन प्रिंटर्स के जरिए जो है ना उनके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग जो है वो लेबल मैन्युफैक्चरर हैं, और यानी कि लेबर जो यानी कि इंडस्ट्री के साथ हम लोग जो है उसका काम कर रहे हैं, और यानी टेक्सटाइल के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, उनके साथ हमारा जो है। आज लास्ट डे कैसा फुटफॉल रहा? आज बस ज़रा हल्का सा स्लो है, कल जो है वो यानी बहुत अच्छा था, तो अभी देखते हैं, अभी मेरे से 3 से 4 घंटे रह गए हैं, तो जैसे ही यानी कि आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया सर जी। नाज़रीन खुर्शीद इंपैक्ट से ताबिर साहब मरता मुझे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या कहना चाहेंगे खुर्शीद के बारे में, मज़ीद अपडेट दें। बेसिकली हम लोग एक 1997 से हैं यहाँ पे, हम थर्ड जनरेशन उस बिज़नेस में, दादा की तरफ से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। आज हम यहाँ पे तमाम बड़ी पेपर मिल्स के एक्सक्लूसिव डीलर हैं, लोग छोटी मिलों के भी डीलर हैं, अलहमदिल्ला हमारी अपनी इम्पोर्ट भी है, साथ हम उसकी केमिकल्स भी बेचते हैं पेपर मिल से रिलेटेड, और वेस्ट का काम भी, वेस्ट पेपर भी सप्लाई करते हैं पेपर मिल्स को, बल्क जो एक सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है पेपर मिल्स का, हम वो भी सप्लाई करते हैं यहाँ पे इन लोगों को। और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा है रिस्पांस मिला है मुझे इस एग्जीबिशन से, और कराची की एग्जीबिशन भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, और काफ़ी मेल मिलाप हुआ है लोगों के साथ, और मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर एंजॉयिंग द एटमॉस्फेयर हियर। ओके, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, पाकी टेक्निकल इंटरप्राइज से हाफिज़ मोहम्मद अयूब साहब मरसम मुझे, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मशीनरी है पाकी की भी आपके पास पड़ी हुई है, थोड़ी अपडेट दे दें इसके बारे में। जी सर, हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स और कॉन्ट्रैक्ट कोरर्स होते हैं, जिससे हम एक्सपायरी डेट, मैनुफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, प्राइस वगैरह प्रिंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास सीएजी प्रिंटर्स होते हैं,
उसके अलावा हमारे पास पैकिंग मशीन्स होती हैं, उसके अलावा हमारे पास क्या थर्मल कोटर होते हैं, कॉन्टैक्ट कोटर होते हैं, सीलिंग मशीन होती हैं, और ऑल ओवर द पाकिस्तान हम सर्विस दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड हैं। सर आज फर्स्ट टाइम आपने एक्सपो गए लाहौर में या पहले में? नहीं नहीं हम लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। इस साल कैसा रिस्पांस रहा? बस सो है, ठीक है, बेहतर है, कारोबारी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहरहाल ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपो के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये है कि इन्होंने फिलहाल इस दफ़ा दो एग्जीबिशन इकट्ठी लगा दी हैं और फर्नीचर के भी लगा दी हैं, उसमें ये है कि बीच में कोई इरेलेटिव जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। जी जी, वो इनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो मिसमैनेजमेंट होगी, उस वजह से हो गया, अब ये नहीं होना चाहिए वैसे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, गोल्ड पेडल से मोहम्मद साहब और अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। गोल्ड पेडल के बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। गोल्ड पेडल ये आप जो है एक आपको एक अच्छी क्वालिटी आपको एक बेस्ट प्राइस में मिल सकती है। आप अगर रोज़ पेडल की बात करें या और ब्रांड्स की बात करें, हमारी और उनकी क्वालिटी तकरीबन सेम है और आपको उसमें एक बजटेड उसमें आपको मिलता है प्रोडक्ट। तो इसमें बस ये है कि प्रोडक्ट भी हमारे अच्छे हैं, रेट्स भी मुनासिब हैं और ज़बरदस्त क्वालिटी है जी। अच्छा, ये जो टिशू का साइज़ है, हाँ जी, गोल्ड पेडल का, हाँ जी, ये मैक्सिमम कितना साइज़ का आप टिशू तैयार कर रहे हैं? ये हम किचन रोल में जो है तकरीबन 1 kg तक कर रहे हैं, 400 ग्राम से लेके 1 kg तक। 1 kg? हाँ जी, 1 kg तक। और ये बॉक्स में आ जाता है तकरीबन 200 sheets तक, सॉरी हाँ 200 sheets तक। और जो हम सॉफ्ट पैक बनाते हैं, सॉफ्ट पैक में आ जाते हैं 550 sheets। इस वक्त ऑल पाकिस्तान के अंदर आप कर रहे हैं काम? हाँ जी, ऑल पाकिस्तान। क्या कहेंगे एक्सपो के बारे में? एक्सपो जी, हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, इधर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे पास और काफ़ी सेटिस्फाइड है एक्सपो से, और ऐसे मज़ीद एक्सपोज होने चाहिए पाकिस्तान में बिज़नेस ग्रोथ के लिए। और हम जो है लोगों के लिए कस्टमाइज ब्रांड्स में भी काम करते हैं, तो हमारे पास जो अपने ब्रांड्स बनाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पेशावर बेस्ड कंपनी है, हमारे उधर मैन्युफैक्चरिंग अपनी यूनिट है, और हमसे जो अपने कस्टमाइज ब्रांड में करवाना चाहते हैं या हमारे ब्रांड में लेना चाहते हैं तो हम उनके लिए सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन कितने परसेंट कस्टमर आपने अभी डील किए यहाँ जो हमसे ऑर्डर बुक किए हों? ये तो तकरीबन काफ़ी टाइम, हमारा ये थर्ड डे है आज, और काफ़ी कस्टमर्स हमारे पास आए हैं, काफ़ी फैक्ट्री वालों से हमारे जो है रबते हुए हैं, हमने सप्लायर से काफ़ी रबते किए हैं, कस्टमर से काफ़ी रबते किए हैं, और एक बेस्ट रेट्स में हमें जो है वो भी मिला है सप्लायर से। और अभी तकरीबन हम अभी हिसाब कर रहे थे उसमें तकरीबन हमारे पास कोई 50-60% कस्टमर्स का जो है इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, मुगल पैकेजेस से ज़ुबैर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? आपका नाम अख्तर शाह। ज़ुबैर भाई, मुगल पैकेजेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस मुगल पैकेजेस तो एक पैकेजिंग सोलूशन है पूरा, हम मुख्तलिफ फैशन से कैरी, कैश एंड कैरी और प्लस जो है पाउचेस वगैरह बनाते हैं। ओके। जिसमें हमारा जो जितने भी जनरल आइटम उस पर कंट्रीब्यूशन है हमारा पाकिस्तान के साथ, बाकी एक्सपोर्ट भी है हमारा और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के से लेकर मैं बैग बनाता हूँ। कितने टाइम से कर रहे हैं? 25 साल से हूँ, कराची का। कराची में हमारी कंपनी है, मैनुफेक्चर है नॉन वन के और मुख्तलिफ टाइप के प्लास्टिक बैग के ना, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से यहाँ हमारे मुल्क में जो काम का पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें काफ़ी खुदा के हुक्म से बरकत काफ़ी है। इस वक्त जो पैकेजिंग वाले से क्या नई प्रोडक्ट लेके आए हैं? नई प्रोडक्ट हमारी ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ जो नॉन वुन के अंदर हैं, जो ये प्लास्टिक और पेपर के अल्टरनेटिव हैं। ओके। क्योंकि पेपर को लेकर पेपर दोनों के अल्टरनेटिव हैं, ऐसा है ये इको फ्रेंडली इस तरह से है कि ये लॉन्ग टाइम यूज़ के हैं, रिड्यूस भी है मतलब लो कॉस्ट की भी है और उससे साथ साथ रिसाइकल भी है, हार्ड है मतलब ये ड्यूरेबल है, प्लस ये कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग भी है। और जैसे पेपर बैग हैं वो तो आपको पता है दरख्तों से बनता है और दुनिया भर में इस वक्त इन्वायरमेंट को लेकर दरख्त बहुत कम हुए हैं। ओके। तो इसलिए वो भी इस ज़िम्मे में आते हैं, प्लास्टिक दुनिया के पॉल्यूशन के लिए ख़तरनाक करार दिया गया है इन्वायरमेंट के लिए, तो सेम यही पेपर भी इस वक्त इतना नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करें और पूरा हो,
ये मटेरियल है, ये यहाँ पर लोग इसे चाना फैब्रिक भी कहते हैं, अदरवाइज ये है पॉलीप्रोपलेन है जो बहुत कम टाइम के अंदर सूरज, हवा और नमी के तनासुब में ये बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। ये मटेरियल सिर्फ पाकिस्तान में आपके भाई के पास है। अच्छा, जो हाँ, ये यूएई में हमारी फैक्ट्री है, वहाँ भी हम अकेले ही हैं इस किस्म की पैकेजिंग में प्रिंटिंग करना, यहाँ और कोई नहीं है। लोग यहाँ बनाते हैं लेकिन सिंपल से बैग बनाते हैं। हम जो बनाते हैं आप शायद देख रहे होंगे, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा, आप वहाँ नज़र मारेंगे यहाँ भी मारेंगे, तो ये सिर्फ हम ही बनाते हैं यहाँ पर। आज एक्सपो का लास्ट डे कैसा फुटफॉल रहा? अच्छा रहा, हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा यहाँ पे, लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स में खासतौर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उनको देखने के लिए मिली, ये इससे पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। और ऑलमोस्ट दुनिया में जितनी भी किस्म के बैग्स बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है वो बनाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजी, मोहम्मद अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज एक्सपो का लास्ट भी है और माशाल्लाह उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली भाई, अपने ब्रांड के बारे में थोड़ी अपडेट दें व्यूवर्स को। जी, ये हमारा ब्रांड नेम पेल्को है, पाक एनर्जी लाइन कंपनी के नाम से हम काम करते हैं। ओके। और बेसिकली हम एनर्जी सेविंग, एनवायरनमेंट और सेफ्टी पे काम करते हैं, और जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड एंड केमिकल प्रोसेसिंग या ट्रीटमेंट प्लांट्स, उनको हम इंसुलेट करते हैं। और बेसिकली जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, वो बैरल जितनी भी प्लास्टिक का प्रोसेस है वो बैरल हीटर्स के ज़रिए होता है, हीटर्स प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हीटर्स जिस स्टाइल के लगे होते हैं, जिस टाइप के लगे होते हैं, वो पूरा 50% हीट ज़ाया कर रहे होते हैं। ओके। तो हम उस ज़ाया होने वाली हीट को रिकवर करते हैं, उसे इंसुलेट करते हैं। तो हमारा जो थर्मल इंसुलेशन जैकेट है, ये थर्मल इंसुलेशन जैकेट आम तौर पे लोग इसे आम सा जैकेट समझते हैं कि ये एक नॉर्मली आम सा जैकेट है, इसने कोई थोड़ी बहुत एनर्जी सेव करनी है, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्री में ये पूरा 50% हीट को सेव करता है। अगर आप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बात करें तो वहाँ पर ये 60% तक एनर्जी को सेव करता है। तो उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग है और पॉलीप्रोपलीन प्लांट हैं, पॉलीथीन एक्सट्रूडर्स हैं या मैट एक्सट्रूडर्स हैं, इसी तरह ब्लो मोल्डिंग है, ब्लो प्लांट है, पीवीसी पाइप एक्सट्रूडर्स हैं, पीपीआरसी एक्सट्रूडर्स हैं, इन सब पे हैवी वाट के हीटर्स लगे हुए होते हैं और वो हैवी वाट के हीटर टू साइड हीट जनरेट करते हैं। इन साइड पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है बैरल में प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए, लेकिन आउट साइड पूरी 50% एनर्जी ज़ाया होती है। तो हम उस एनर्जी को रिकवर करते हैं, ये ज़ाया होने वाली एनर्जी इन्वायरमेंट को भी गर्म करती है और जो ऑपरेटर्स काम करते हैं उनके लिए रिस्क भी है। अक्सर ऑपरेटर्स करीब में काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम, इंजर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड होते हैं, जख्मी होते हैं, जलते हैं, तो ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। तो आमतौर पे प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, 18 to 21 days हम गारंटी देते हैं कि ये पे बैक करेगा, यानी कि 18 से 21 दिन में ये पे बैक करता है। प्राइस वाइज आप देख लें, एक साल की इसकी हम गारंटी देते हैं, और लेकिन इसकी जो लाइफ है वो 12-15 साल लाइफ इजीली है। अब कुछ नए मटेरियल हमने ऐड किए हैं, उनकी लाइफ 15-20 साल है। तो ये ख़ास तौर पे प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए तो चाहिए कि वो इसके बगैर मशीन ऑपरेट ही ना करें, क्योंकि हमारा जो हीटर है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी वेस्ट करता है। इसी तरह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टीम पाइपलाइंस हैं, वहाँ पर इंसुलेशन कुछ ना कुछ रॉक वूल या मेटल शीट में हुई भी होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ जॉइंट हैं, कुछ प्लग्स हैं, कुछ वॉल्व होते हैं जहाँ पर फिक्स इंसुलेशन नहीं हो सकती,
वहाँ उन्हें रिमूवेबल जैकेट चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पर मेंटेनेंस का काम मुस्तकिल निकलता है। तो वहाँ उस जगह के लिए हमारे ये जैकेट्स हैं, ये रिमूवेबल हैं और डेंसिटी अच्छी है इनकी और हीट अब्जॉर्ब पॉइंट बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारे पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और 1260 डिग्री टेम्परेचर तक के मटेरियल्स मौजूद हैं। ये मटेरियल हीट प्रूफ, फायर प्रूफ और फायर रिटार्डेंट है और इसकी लाइफ बड़ी अच्छी है। तो मैं अपने ख़ास तौर पे प्लास्टिक इंडस्ट्री को तो ये कहना चाहूँगा कि आप एक मशीन का सैंपल हमसे मंगवाएं और एनर्जी एनालाइजर इंस्टॉल करें। किसी भी जो भी मशीन आपके पास है प्लास्टिक फील्ड में, आप उस पर एनर्जी एनालाइजर इंस्टॉल करें और हमारी प्रोडक्ट फिर इंस्टॉल करें, फिर देखें आपको क्या सेविंग मिलती है। देन आप हमें आगे प्रोजेक्ट दें, फिर आप हमसे आगे काम करें। पहले हमारी प्रोडक्ट को आप चेक करें मशीन पर इंस्टॉल करके, चेक कर कि इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। प्राइस वाइज हमारे पास चाइना मटेरियल्स भी हैं, चाइना में भी दो ग्रेड हैं, और यूरोपियन मटेरियल्स भी हैं, हमारे पास शिकागो के मटेरियल भी हैं। हमारे पास 3-4 ग्रेड हैं। जो प्राइस कॉन्शियस हैं वो जा सकते हैं, चाइना में भी जा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं वो शिकागो का जो मटेरियल है उसकी बहुत लाइफ है, और जो हमारे पास तुर्किश मटेरियल है उसकी भी बड़ी अच्छी लाइफ है, उसकी सेविंग भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो लेबर होती है, आपको पता है फैक्ट्रीज़ में इतना नॉलेज नहीं होता, कीमती से कीमती चीज़ भी जो है वो हथौड़ा मार ग्रुप होता है, कभी पैरों में आती है, उसका यूज़ अच्छे तरीके से नहीं होता। तो उस लिहाज से फिर जो अच्छे मटेरियल हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं, उसकी लाइफ वहाँ चल जाती है। लेकिन चाइना वगैरह जो है वो 5-6 साल, जहाँ पर जो लेबर है वो ट्रेंड नहीं है और ऑनर के जहन में ये है कि यार ये लेबर ने बर्बाद कर देना है, तो वो उसको आदत डालने के लिए पहले थोड़ा सा हल्का मटेरियल यूज़ करें, उसके जैकेट्स लगाएं। सेविंग वो भी वही देते हैं लेकिन लाइफ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आदत डालने के लिए पहले चाइना लगा लें, वो हल्का मटेरियल है, प्राइस वाइज सस्ता है, लेकिन जब आप उनको आदत पड़ जाए तो फिर आप अच्छी क्वालिटी के मटेरियल वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सर, इन द लास्ट मोमेंट्स है एक्सपो के, जी जी, कैसा फुटफॉल रहा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और 450 क्लाइंट हमारे पास आया है और हमें विजिट मिले हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपो के आज लास्ट डे भी है, संडे भी है, कल से हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे और अपनी टीमें बनाएंगे और इंशाल्लाह वो उस पर वर्किंग करेंगे। 50-50 कार्ड हम एक एक अपने मार्केटिंग के बंदे को देंगे ताकि वो तेज़ी के साथ इस पर काम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हर शेफ़ का इंतखाब किसी फूड, और किसी फूड को मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया, घर वालों ने इस्तेमाल किया, बल्कि मेरी घर वाली भी ये कहती है कि आप घर में तभी घुसना जब किसी फूड घर में लेके आओगे, इसलिए मैं दोबारा इनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका फूड का जायका इतना अच्छा कि आपने मेरे घर में झगड़ा करवा दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर। मैं तो चाहता हूँ ये मोहब्बत बढ़े, इन मसालों से लोगों में मोहब्बत बढ़े, ना कि झगड़े हों सर। हाँ। अच्छा सर, बहुत अच्छा फुटफॉल रहा है, लेकिन आज लास्ट डे है, लास्ट मोमेंट्स हैं, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा, और बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव कंपनी की तरफ से लिया गया और फूड एशिया की तरफ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो आ रहे हैं, अपने स्टार्टअप को डेवलप कर रहे हैं, और एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे ओवरऑल मिला, प्रोडक्टिव रहा, जिस एक्सपेक्टेशन से के साथ हम यहाँ पे आए थे उससे काफ़ी बेहतर मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए ना वो यहाँ, उनका बड़ा फुटफॉल रहा है सर। अभी इतना करोड़ था कि बड़ी मुश्किल से मैंने आपसे टाइम लिया है, इसकी रीज़न क्या है? सर एक तो यह कि कस्टमर आ रहे हैं क्योंकि घरेलू चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट्स हम जो बना रहे हैं, जैसे कि लास्ट सेशन में भी आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि हमने अभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो बच्चे आ रहे हैं, चॉकलेट्स भी ट्राई कर रहे हैं, कि हमने किसी से कोई चाह रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करवा रहे थे लोगों को यहाँ पे स्पाइसेस की फ्री सैम्पलिंग थी, तो फैमिलीज़ को ये चीज़ एक अच्छी एक मतलब आप चाहे कि क्या क्या अट्रैक्ट करी थी फैमिलीज़ को कि किस तरीके से प्रोडक्ट पर उन्होंने ट्राई किया, प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंट दिया कस्टमर्स को, ताकि मार्केट पर जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर सेल को बूस्ट किया जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, एबल से रबी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ जानते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे एबल के बारे में मज़ीद?
सर बेसिकली हम स्किल एजुकेशन का इदारा है, हम यहाँ पर जो है अपनी मार्केटिंग के पर्पस के लिए आए हुए हैं। हम लोग बेसिकली कुकिंग और बेकिंग के अंदर कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग मैट्रिक करते हैं ना साइंस और कंप्यूटर के साथ, उसी तरीके से हम अब मैट्रिक करवा रहे हैं कुकिंग और बेकिंग के लिए। इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि 2 साल में एफ ए की डिग्री के साथ साथ आपको स्किल भी मिल जाएगी कि आप इंटरमीडिएट के बाद ही अपना करियर आगे इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी कितनी टाइप की प्रोडक्ट इधर मेक कर रही हैं सर? अभी तो हम जस्ट टेस्टिंग के लिए लोगों की तवज्जो को है इस तरफ करने के लिए टेस्टिंग करवा रहे हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे पनीनी रैप्स हैं और इसके अलावा पनीनी सैंडविचेस हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। नाज़रीन, जैसे फूड फेस्टिवल अंदर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स भी आए हुए हैं। और आज हमारे साथ जो स्टार है टिकटॉकर भी हैं और हीरा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर लुकिंग चार्मिंग टुडे एंड यू आर लुकिंग हैप्पी, व्हाट रीज़न? बिकॉज हमेशा खुश ही रहना चाहिए, हम लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। छोटी सी तो लाइफ है, आप उसको एंजॉय करके गुजारो तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। लाइफ बिल्कुल छोटी सी जैसे आप छोटे थे। जी बिल्कुल, हमेशा हर चीज़ छोटी, मैं भी छोटी सी ठीक हूँ मसूम सी। अच्छा, फूड फेस्टिवल में आई हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा फूड अच्छा लगा? मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ ट्राई किया, चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके अलावा यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत अच्छे हैं, तो फूड इन्जॉय कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा इसको। नाज़रीन, इन्होंने सब कुछ इन्जॉय किया, सब कुछ टेस्ट किया। आप जिस टेस्ट के बारे में पूछना चाहें तो जिसको नहीं मिला वो इनसे पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती।